सो हेलो बच्चा पार्टी, कल हम लोग पार्ट वन सीरीज में कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी की ऑलमोस्ट जिसमें नोमेनक्लेचर के हल्की शुरुआत हुई थी, या यूं कहें कि उस समय में हम लोगों ने अल्केन अल्किन अल्काइन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के विषय में आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड के बीच का अंतर हमने समझा था। जाहिर सी बात है इस वीडियो में मैं आपको लिंक दूंगा जो आपको पिछली वीडियो पर रिडायरेक्ट करेगा अगर आपने नहीं देखा होगा। और जैसा कि पहले भी बता चुका हूं, इस चैनल के साथ बने रहिए, अगले 30 दिनों में टर्म 2 की पूरी सिलेबस खत्म होगी और फिर उसके बाद मार्केट में उपलब्ध जितनी भी सैंपल पेपर है उसके एक एक सेट्स को मैं करवाऊंगा। सो आपको कहीं उसमें कोई दिक्कत जैसी कोई बात नहीं है। तो खैर अब हम लोग शुरू करते हैं। विल यू बी माई फ्रेंड, कार्बन सीम्स टू बी वेरी फ्रेंडली एलिमेंट सो फार वी हैव लुकिंग कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ओनली। अब तक क्या था कि हम लोगों ने जो पढ़ा है हम लोगों ने केवल यही देखा है कि कार्बन हाइड्रोजन जो है, अब तक हमने सिर्फ वही चीज देखी है, कार्बोहाइड्रेट्स के विषय में पढ़ा है। दूसरी चीज है कि अब तक हमें जो ये पैराग्राफ कह रहा है कि विल यू बी माय फ्रेंड, यानी कि कार्बन अलाउ कर रहा है कि आओ मैं तुमसे जुड़ना चाहता हूं, मेरे पास ऐसी प्रॉपर्टीज है कि मैं सबको अपने साथ रखना चाहता हूं। मतलब कार्बन बुला रहा है दोस्ती के लिए, ये तात्पर्य उसका है। क्योंकि आपने जो कंपाउंड्स के विषय में पढ़ा वहां पे सिर्फ आपने कार्बन हाइड्रोजन के रिलेशंस को देखा। आइए कुछ ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि कार्बन का कुछ अन्य एलिमेंट्स के साथ भी रिलेशन है। जैसे अब देखिए आपके सामने यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ कंपाउंड, जैसे कि आप यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन देख रहे हैं, यहाँ अल्कोहल देख रहे हैं, एल्डिहाइड देख रहे हैं, कीटोन देख रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड देख रहे हैं। आपको इसमें चीज दिख रही है कि पहले तो ये आप इसके क्लास को समझिए, क्लास ऑफ कंपाउंड किस तरह से है ये, ठीक है। दूसरी चीज है हेटरोटम्स की बात हो रही है, यानी कि अब तक जो हम लोगों ने कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ नई चीज अगर देखेंगे तो क्लोरीन देखेंगे, ब्रोमीन देखेंगे, ऑक्सीजन देखेंगे, इस प्रकार से हम लोग कई सारी चीजों को मिक्स करके नए फंक्शनल ग्रुप, नई प्रॉपर्टीज जो कार्बोहाइड्रेट से डिफरेंट होती है, जैसे कि अल्कोहल, जैसे कि एल्डिहाइड, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह वगैरह, कीटोन्स वगैरह, अब इन चीजों को पढ़ने का समय आ गया। तो ओवरऑल आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि ये सिंगल बॉन्ड से सीएल और बीआर को आप रिप्रेजेंट होते हुए देख रहे हैं। अब आपसे दो बातें पूछी जा सकती हैं। पहली बात ये पूछी जा सकती है कि ये बताओ कि सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं बेंजीन और फिर मैं कहूं हेक्सीन, दोनों में कॉमन बात क्या है कि दोनों में कार्बन सिक्स है लेकिन एक सैचुरेटेड है दूसरा अनसैचुरेटेड है। रीजन क्या है कि जब हम बेंजीन बना रहे हैं उस समय में उसकी बॉन्डिंग हेक्सीन की बॉन्डिंग से डिफरेंट होती है। पहली चीज ये, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में क्या अंतर होता है, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड को रिप्रेजेंट करता है वेयर एज डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड को रिप्रेजेंट करता है। अगर सपोज हमारे सामने कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर आ जाती है जहां पे हमको डबल बॉन्ड की प्रेजेंस दिखती है तो बिना कुछ कहे हमें समझ लेना है कि वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड नेचर का है, क्लियर है। अब देखिए यहां क्या कह रहा है, होमोलोगस सीरीज के विषय में पढ़ते हैं हम लोग। यू हैव सीन दैट कार्बन एटम्स कैन बी लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म चेन्स ऑफ वेरिंग लेंथ, दीस चेन्स कैन बी ब्रांच्ड आल्सो, इन एडिशन हाइड्रोजन एटम एंड अदर एटम्स ऑन दीस कार्बन चेन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी फंक्शनल ग्रुप दैट वी सी अबव। द प्रेजेंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल डिसाइड्स द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। अर्थात कि इसका कहने का मतलब ये है कि बच्चों अब तक तो हमने पढ़ा कि कार्बन कार्बन से जुड़ा दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एंड सो ऑन। हमने क्या देखा कि ये कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ करके एक बहुत लॉन्ग लेंथ की एक बड़ी सी कंपाउंड बना रहे थे हमारे पास। और अब तक हमने क्या देखा कि चारों से उनको हाइड्रोजन घेर रखा। अब सोचो कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है किसी फंक्शनल ग्रुप से, तो अब इस चेन की प्रॉपर्टी वो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा क्योंकि नाम हमने उसको दिया फंक्शनल ग्रुप। यानी कि उस पूरे इंटायर कंपाउंड में जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टीज होंगी वो उस फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से डिसाइड करेगी। जैसे विनेगर में, जैसे कि हम लोग कहते हैं भाई विनेगर है एसिटिक एसिड, तो कहीं ना कहीं विनेगर के उस कंपाउंड जो भी हम सब्जी या जिस फल को हम लोग रोटेन करते हैं अंडर एनएरोबिक कंडीशन, वहां पर जब हम उसको डेवलप करते हैं तो वो जो एसिडिक फॉर्म में हमारे सामने प्रोडक्ट होकर के आता है, तो कहीं ना कहीं वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, उसके फंक्शनल ग्रुप पे। यानी कुल मिलाकर के मेरा बिहेवियर किस बात पे डिपेंड करेगा कि मेरे सामने वाला जो बच्चा बैठा हो उसे पढ़ना क्या चाहता है, सही है। अब मैं यहाँ केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, एट द सेम टाइम इस बड़े से हॉल में 100 लोग बैठे हों और 100 लोग में से 99 लोग वो हों जो मुझसे बायो पढ़ना चाहे, और मैं उठ गया कार्बन कंपाउंड पढ़ाने के लिए, तो लोग कहेंगे यार इस बंदे को तो ये भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली हमारा इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है। तो कार्बन क्या कहता है कि भाई अगर तुम आओगे और हमने मेहमान नवाजी में
तुम्हारे लिए हमने एक अपने हाइड्रोजन को हटा दिया कि तुम आओ, तुम्हारा स्वागत है, जिसको हम लोग हॉस्पिटैलिटी या आतिथ्य भाव कहते हैं, जो हमारी भारत की एक सभ्यता है कि जब भी हमारे घर में कोई आता है तो हमारे अपने लोग कुर्सी से उठ करके खड़े हो जाते हैं, उसे स्थान देते हैं और उसकी इच्छा के हिसाब से उसे भोजन, पानी, नाश्ता, स्वागत, सम्मान देते हैं। सही है। उसी प्रकार से जो कार्बन का कंपाउंड है, जब वो बना हुआ था पहले से कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में हमारे सामने दिख रहा था, एक अल्केन यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन दिख रहा था। अब क्या उस मीथेन में या उस इथेन में एक हाइड्रोजन देखा कि क्लोरीन आ रहा है? अब कैसे वो डिजाइन देखिए करेगा। पहले क्या हुआ कि पहले इसने देखा कि अब हमारे यहां कोई आतिथ्य वाली बात आ रही है। अब यहां पर ये क्या था कि ये दो कार्बन थे और ये हाइड्रोजन के साथ बने हुए थे, ये चारों ओर से यहां पर हाइड्रोजन ये था, ये हाइड्रोजन चारों ओर से था। अब क्या हुआ कि एक फंक्शनल ग्रुप आया, यहां क्या आ गया, क्लोरीन। क्या आया, क्लोरीन आया। जैसे ही इसने देखा कि मेहमान आ रहे हैं हमारे यहाँ, यानी फंक्शनल ग्रुप हमारे यहाँ आ रहा है, इसने स्ट्रक्चर में क्या किया, ये बाकी सारी चीजें जैसे थी वैसे रहने दिया और यहाँ पे इसने क्लोरीन को दे दिया। अब क्या होगा बच्चों, दो बातें आएंगी इसमें। अब आपसे अगर कोई पूछेगा कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, हालांकि वो हम लोग डिटेल में उसको पढ़ेंगे, लेकिन जनरली अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया क्लोरीन से, यानी कि अब ये क्लोरीन डिसाइड करेगा कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। तो पहले से ये क्या था, इथ था, हाँ? और पहले क्या आया, क्लोरीन। तो इसको हम लोग नाम देंगे क्लोरो इथेन। क्या नाम देंगे, इथेन, क्लोरो इथेन। क्या नाम देंगे, अब ऐसा नहीं कहेंगे कि इथेन क्लोरो। मेहमान आया तो सर्वप्रथम आईयूपीएससी ने कहा कि भाई आपका मेहमान है, उसको स्वागत करो। तो इन्होंने क्या कहा कि ठीक है भाई, हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, हम क्लोरीन को वहां पुट कर रहे हैं और इसका नाम हो गया क्लोरोइथेन, क्योंकि क्लोरीन है। अब यहां क्लोरीन की जगह अगर ब्रोमीन होता इसका नाम ब्रोमोइथेन होता, आयोडीन होता तो आयोडोइथेन होता ना। ये तो हो गया फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से इसका नेमिंग का डिसाइड। बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग इसमें पढ़ते रहेंगे। अब देखिए यहां पे क्या देगा, फॉर एग्जांपल द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH आर ऑल वेरी सिमिलर। क्यों, क्योंकि सबके लास्ट में बच्चों ये है OH, 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 ठीक है। माता रानी का अगर हम नाम लें, हम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, किसी भी नाम को हम जब लेते हैं अल्टीमेटली कहते हैं माँ दुर्गा के नौ रूप है, यानी सब में माता रानी का अंश है। सही है ना। अब ठीक उसी प्रकार से इस पूरी फंक्शनल ग्रुप को अगर आप ध्यान से देखें तो सब में यहाँ पे OH है, OH है, OH है, OH है, यानी सब में अल्कोहल का अंश है। ऐसी स्थिति में इनकी प्रॉपर्टीज में काफी सिमिलैरिटी होगी, जैसे जब हम किसी पर्टिकुलर कास्ट की वासी, पांडे, वर्मा, शर्मा, गर्मा, गमला, जो भी है, जिस टाइटल को लगाते हैं तो उसकी पूरी फैमिली में सिमिलैरिटीज होती है, होती है कि नहीं होती। सेम उसी तरह से ये सारे के सारे अल्कोहल फैमिली के हैं, तो इनमें एक प्रॉपर्टी, हेंस such a series of compound in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called homologous series। बच्चों यानी homologous यानी कि ऐसी सीरीज जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो, सीधे समझ लो, ऐसी सीरीज जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप हमें दिखे। ये नहीं है कि यहां क्लोरीन है, यहां ब्रोमीन है। अब आपको इस तरह का एक स्ट्रक्चर आ जाए यहां पर, यहाँ पे इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर आया और हमने यहाँ देखा यहाँ H के साथ यहाँ पे Cl लगा है, यहाँ H है, यहाँ डबल बॉन्ड O लग गया, यहाँ पे फिर H है, यहाँ फिर H है, यहाँ फिर H है। अब आप नहीं देख रहे यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप ही है और एक फंक्शनल ग्रुप ही है। ऐसे डिजाइंस, ऐसे कंपाउंड्स जहाँ पे एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, हमें तत्काल समझ लेना चाहिए कि वो होमोलोगस सीरीज नहीं है। वो क्या नहीं है, होमोलोगस सीरीज नहीं है, क्योंकि होमोलोगस सीरीज की पहचान है सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप जो सभी कार्बन के बीच में कॉमन रहे। यहां पे कुछ भी हो सकता था, मे बी वो कीटोन हो सकता था, मे बी वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता था, मे बी वो एल्डिहाइड हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन एक फंक्शनल ग्रुप जब एक चेन में आए तो उस सीरीज को हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज। आई थिंक आप सबने इस बात को समझ लिया होगा। अब आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं, तो कह रहा है कि अब यहां पे देखिए, लेट अस लुक एट द होमोलोगस सीरीज दैट वी सी अर्लियर इन टेबल 4.2। देखिए CH4C2H6 दिस डिफर बाय CH2 यूनिट, दोनों में अंतर कितना है, CH2 यूनिट का। यहां C2H6
C3H8, they differ by CH2 unit. कॉमन बात क्या देख रहे हैं अब इसको समझने के लिए क्या है, ये है आपका मीथेन, क्या है? तो जब ये मीथेन से इथेन बनेगा बच्चों तो इसमें क्या बढ़ेगा, CH2, हर बार क्या डिफरेंस आएगा CH2 का। फिर ये इथेन से बोला कि मुझे बनना है प्रोपेन, तो फिर कितना अंतर आएगा, एक कार्बन बढ़ेगा और हाइड्रोजन फिर दो बढ़ेगा। फिर इसने बोला नहीं अब मैं प्रोपेन नहीं, अब मैं ब्यूटेन बनूंगा, मुझे ब्यूटेन बनना है, तो फिर बोलेगा ठीक है बेटा तो लो फिर CH2 और बढ़ा लो अपने ऊपर। इस तरह से जितनी बार हम जितने एक होमोलोगस सीरीज में जंप करते हैं तो वहां पे हमें जो अंतर मिल रहा है, यहां पे इस पर्टिकुलर कंपाउंड के सामने में आप CH2 का अंतर देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो आप रिवर्स क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट पेयर प्रोपोन एंड ब्यूटेन। आपने क्या देखा, CH2 का डिफरेंस है, आपने क्या देखा, CH2 का डिफरेंस है, मामला खत्म। अब देखिए कह रहा है, सिमिलरली टेक द होमोलोगस सीरीज फॉर अल्किन्स, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज इथीन व्हिच वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस इन 4.2.1, अर्थात इससे पहले 4.2.1 जो कॉलम दिया गया था वहां पर हमने पढ़ा कि इथीन, इसी तरह से प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन हमने पढ़ा। इसमें हमने अभी देखा कि ये सब भी क्या थे, होमोलोगस सीरीज थे, क्या थे, होमोलोगस सीरीज थे। सब में क्या डिफरेंस आया, अब देखिए C3H6 C4H8 C5H10, यहां पे आपको पता है कि इथेन के लिए जो फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। यहां भी आपको बच्चों CH2 का ही डिफरेंस दिखेगा, क्या दिखेगा, CH2 का। मैं आपको करके दिखाता हूं, थोड़ा सा इसको समझते चलिए। टुडे वी विल क्लियर ऑल द चैप्टर, इन दो वीडियो में ये सारा कहानी खत्म होना ही होना है। ये देखिए, ये C3H6, हमने तुरंत बोला इसका क्या नाम है, प्रोपीन, क्या नाम है। अब प्रोपीन से हम अगली एक कार्बन पे जंप करेंगे, हम बनेंगे C4H8। आप ध्यान देखिए, हाइड्रोजन कितना बढ़ा, कार्बन कितना बढ़ा, 1, कार्बन कितना बढ़ा, 1, और ये 3 था, ये 4 था, एक कार्बन बढ़ा, और ये 6 था, ये 8 था, तो कितना हाइड्रोजन बढ़ा, 2, तो डिफरेंस कितना, CH2, कितना डिफरेंस है, CH2। नेक्स्ट, तो इस प्रकार से हम लोग आगे इसको देखते हैं। Do you see any relationship between the number of carbon and hydrogen atom in this compound? The general formula for alkene is CnH2n, whereas n is equal to 2, 3, 4, whatever. Can you similarly generate the general formula of alkene and alkyne? अर्थात कहने का मतलब बच्चों, ये वही अध्याय है जो मैंने आपको शुरू में इस वीडियो में बड़े अच्छे से समझा दिया कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एक बार फिर मैं आपको लिख देता हूँ। इस फॉर्मूला को आप बिल्कुल माइंड में रखेंगे और इसके आधार पर मैं आपको नॉमेनक्लेचर बता देता हूँ, किसी चीज की नॉमेनक्लेचर आप कर लेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने ये आया, सबसे पूछ रहा है अल्केन, अल्केन का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, CnH2n प्लस 2, ये हो गया आपका अल्केन। दूसरा अल्कीन, CnH2n, मामला खत्म इसका। अल्काइन, CnH2n माइनस 2, ये तीन फॉर्मूला है। अब यहां पे बार बार आपको n रिप्रेजेंट करने की बात आ रही है, तो n से आप क्लियरली समझ लेंगे कि n नंबर ऑफ कार्बन एटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इस प्रकार से बच्चा पार्टी, अगर आपको रास्ते में से मुलाकात होगी, मान ऐसा गाना आ जाए, अगर आपके अचानक से मुलाकात किसी फंक्शनल ग्रुप से हो जाए तो उसको देख के आपके दिल में जो जज्बात आएंगे वो इस प्रकार से होंगे। जज्बात नंबर एक कि ये चला पहले, इसकी मुलाकात हुई पहले कार्बन से, पहले कार्बन से मुलाकात हुई तो भैया जय श्री राम, आप चलिए साइड हटिए, हम सिर्फ बन जाते हैं CH4। आप मिला के देखिएगा क्योंकि पूरे इक्वेशन पे आपका पहला कार्बन, अब फिर चलते चलते फिर एक और कार्बन, बोला यार मैं तेरी लिस्ट में और जोड़ना चाहता हूं। तो जब कार्बन जुड़ेगा तो हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा है कि जब ये अपने ही सीरीज को जब आगे कंटिन्यू करता है अगले कार्बन पे, तो हर बार कार्बन एक बढ़ता है और हाइड्रोजन दो बढ़ता है। इसमें कार्बन में एक कार्बन और बढ़ा दो, C2 कर दो, और इसमें दो हाइड्रोजन बढ़ा दो, C2H6 हो गया। और हर बार, अब इतना कैलकुलेट करने की जरूरत आपको नहीं है, जितनी बार आपको ये चीज आएगा तो फैमिली में सिर्फ CH2 का डिफरेंस आप कर देंगे, वो अपनी फैमिली में आगे अगली चेन को कंटिन्यू
कर चुका होगा। कोई दिक्कत, किसी प्रकार कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। अब देखिए यहां पे एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी कुछ इस प्रकार से है कि कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फॉर्मूला। एक सेकेंड। तो जैसा कि नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे, यहां पे एक संस्था थी IUPAC, जैसा कि इस वीडियो में हमने पहले भी बताया, पिछली वीडियो में बताया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नाम की एक संस्था है, जिसका मुख्य मकसद है किसी भी एलिमेंट्स को इस तरह का नाम देना कि यूनिवर्सल वे में उसको एक्सेप्ट किया जा सके। इट मीन्स कि अगर हम अल्कोहल कह रहे हैं, अगर उसकी फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल की अल अगर है, उसमें लास्ट में हम लोग सफिक्स में ओ लगाते हैं, या उसका हमें पता है फंक्शनल ग्रुप OH है, तो ये OH या ये ओल, ये पूरी अखिल पूरी जो पृथ्वी है, यहाँ पे जितने भी देश हैं, जहां जहां तक केमिस्ट्री स्टडी की जाती है वहां पे ये चीज मान्य होगी। तो अब हम लोग चलिए नोमेनक्लेचर की कुछ विधियों में पढ़ते हैं। उनमें से एक ये जैसे आपके सामने आता है कि दो चीजें होती है कि होमोलोगस सीरीज में आपने देखा होगा आर बेस्ड ऑन द नेम ऑन बेसिक कार्बन चेन मॉडिफाइड बाई प्रीफिक्स प्रीफेज बिफोर और सफिक्स फ्रीज आफ्टर। इसका मतलब समझिए, अगर मैं लिखूं इथेनॉल, ये वर्ड मैंने लिखा इथेनॉल, तो ये जो हिस्सा मेन जो आपका कंपाउंड है उसके लास्ट में आने वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये हो गया आपका सफिक्स, यानी कि इस पर्टिकुलर चीज को ये फ्रेज के आफ्टर है, ये फ्रेज के आफ्टर है, सफिक्स जो होता है इस फ्रेज के आफ्टर है। और अगर यही चीज मैं लिखूं क्लोरो इथेन और ये ओल हम हटा दें, तो क्लोरो इथेन लिखते हैं, ये क्लोरो जो है ये फ्रेज के बिफोर है, इसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। जैसा कि अगर आपने इंग्लिश भी पढ़ा होगा तो बड़े अच्छे से आपको नॉलेज होगा कि नाम के पहले आने वाली चीज प्रीफिक्स होती है और नाम के बाद आने वाली चीज सफिक्स होती है। तो ये तो रहा आपका नोमेनक्लेचर सिस्टम। एंड लेट अस स्टडी अबाउट द अदर थिंग्स, लाइक वी आर स्टडीइंग एक्टिविटी 4.2 आर मिथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। यहाँ पे आप देखिए एक आपके सामने एक 4.2 एक्टिविटी में कुछ दिखाया गया था कि कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर मासेस CH3OH C2H5OH। अब यहाँ पे आपको इस जगह पे इसकी डिफरेंस निकालने के लिए कही गई। तो जैसा कि इसको डिफरेंस को आप कैसे निकाल सकते थे, मैंने कहा ना कि जब एक होमोलोगस सीरीज की बात की जाती है तो उसमें कार्बन ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें हाइड्रोजन डबल होगा। तो देखिए अगर यहाँ लिखा हुआ CH3OH और यहाँ बगल में लिखा हुआ C2H5OH, तो आप ध्यान से अगर देखेंगे बच्चों तो यहाँ हाइड्रोजन 3 है और यहाँ 5 है, यानी हाइड्रोजन का डिफरेंस 2 है, यहाँ कार्बन 1 है यहाँ कार्बन 2 है, यानी कि ये डिफरेंस आपको देखने को मिला, ये CH2 का डिफरेंस है। उसी प्रकार से C2H5OH और C3H7OH, आप देख रहे हैं कि यहाँ कार्बन 2 है और ये 3 है, एक बड़ा हाइड्रोजन यहाँ 5 है यहाँ 7 है, दो बड़ा, यानी एक बार फिर ये CH2 पे बड़ा। यहाँ कार्बन आप देख रहे हैं 3 है और यहाँ आप देख रहे हैं कार्बन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन आप देख रहे हैं 7 है, यहाँ हाइड्रोजन 9 है, यानी इन ओवरऑल इन सारी चीजों में आपको डिफरेंस दिखी CH2 की। इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन दिस थ्री? यस, क्या सिमिलैरिटी है? CH2 वाली सिमिलैरिटी है। दूसरी क्या सिमिलैरिटी है? सारे के सारे में OH है, यानी कि सारे के सारे अल्कोहल फैमिली के मेंबर है। दो बातें हो गई, पहला अल्कोहल फैमिली मेंबर और दूसरा किनके बीच का डिफरेंस। तीसरा, अरेंज दिस अल्कोहल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग कार्बन एटम टू गेट अ फैमिली, मतलब इसको कह रहा कि अब इसको अरेंज कर देना है। तो ठीक है, यानी कि कुल मिला के कैसे टेबल आप बनाएंगे, पहला CH3OH, फिर इसमें C2H5OH, फिर C3H5H7S7OH, इसी प्रकार से C4H9OH, इसी प्रकार से C5H11OH। आप देख रहे हैं कि हर बार हमने CH2 का डिफरेंस दिया और ये फैमिली हमारे सामने कंप्लीट हो गई। तो बच्चों ये एक्टिविटी 4.2 NCERT मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन आप रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप लोग इस होमोलोगस सीरीज के ऊपर में मैक्सिमम क्वेश्चन को करें और आगे की स्लाइड्स में मैं आपको और भी सिखाऊंगा। आप नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो लेट अस कैलकुलेट अबाउट द नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड में यहां पे बेसिकली हम लोगों को देखना है कि सबसे पहले अगर हमारे सामने क्वेश्चन रख दिया जाए, आपको किसी ने कह दिया कि बेटा ये बताओ ये क्या चीज है, आपके सामने इस तरह से लिख दिया C3H5OH।
अब कहा कि बेटा इसका नोमेनक्लेचर करना, वी डोंट नो द नोमेनक्लेचर एग्जैक्टली हाउ वी हैव टू रिकॉल इट, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक आम जाहिल आदमी जिसने कभी कार्बन कंपाउंड के विषय में नहीं पढ़ा और उसको कह दिया गया कि बेटा जाना जरा C2H5OH लाना, तो वो नहीं समझेगा, लेकिन वही एक देसी को कहोगे एक थर्रा लेके आना, वो समझ जाएगा। बात समझ गए होंगे आप बात को, इथेनॉल वो समझता है, मतलब जैसे ही आप उसको शराब दारू बोलेंगे वो समझेगा, लेकिन जब उसकी IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से जो उसका फॉर्मूला है अगर उसको बताएंगे तब वो नहीं जानेगा, राइट। सो यहाँ पे H3O5, अब क्या कहा कि इसमें सबसे पहले तो बेटा ये आइडेंटिफाई करो कि कार्बन एटम कितना है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कार्बन कितना है, 3 है। A compound having three carbon atom who would have the name propane, जैसे इसको समझने के लिए आपको यहां देखना पड़ेगा कि अगर कार्बन की संख्या 1 होती है तो इसको हम लोग NETH में, और ये क्या होता है प्रीफिक्स, क्या होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स होता है ना। उसी प्रकार से अगर कार्बन का एटम अगर 2 है तो इसको इथ हम लिखते हैं, उसी प्रकार से अगर कार्बन 3 है तो हम इसको प्रॉप लिखते हैं, उसी प्रकार से अगर कार्बन 4 है तो हम इसको ब्यूट लिखते हैं, उसी प्रकार से अगर कार्बन 5 है तो हम इसको पेंट लिखते हैं, उसी प्रकार से अगर कार्बन 6 है तो हम इसको हेक्स लिखते हैं, उसी प्रकार से सेम C7 है तो हम इसको हेप्ट लिखते हैं, उसी प्रकार से अगर कार्बन 8 है तो हम इसको ऑक्ट लिखते हैं, उसी प्रकार से अगर कार्बन 9 है इसको नॉन लिखा जाता है, एंड अगर कार्बन 10 है तो उसके लिए हम लोगों ने डेक का प्रयोग किया है। खैर तो ये तो रहा एक आपका प्रीफिक्स टेबल। कार्बन के नंबर्स को देखो, यहाँ पे बात कर रहा है कितने कार्बन की बात कर रहा है कि आप यहाँ पर प्रोपेन का नाम कैसे दे रहे हैं, कि सबसे पहले उसके लिए आपके सामने एक चीज दे दी गई C3H5OH। कार्बन 3 दिखते ही आपके दिमाग में ये वाला लाइन आ जाना चाहिए, कह रहे यार कार्बन तो 3 है तो प्रोप तो होगा ही होगा। अब सवाल है कि ये प्रोपेन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आखिरी हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है OH ने। किसने रिप्लेस किया है? OH ने। तो यहाँ पर हम लोग उस OH को रिप्लेस होते ही हम लोग इस लॉ को पढ़ेंगे, और लॉ के हिसाब से पता चलेगा कि यहाँ पे ये मिथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल में लास्ट में आप ये ओल जो दिख रहे हैं ये ओल अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि उस फॉर्मूला में आपने क्या देखा था, उस फॉर्मूला में आपने देखा था कि आपके सामने एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख दिया गया था, लिखा गया था C3H5OH। C3 को हम तुरंत मालूम था कि हम प्रोप कहेंगे, लेकिन प्रोप के बाद ये वाला जो हिस्सा है इसकी अपनी एक फॉर्मुलेशन होती है, इसको हम लास्ट में, पहले तो हम इसको प्रोपेन लिखेंगे, लास्ट का जो ई होगा वो रिप्लेस होगा, ई इज रिप्लेस्ड बाय ओल। सो अगर बच्चों इसकी ई को हटा करके और इसमें अगर ओल जोड़ेंगे तो इसका नाम आ जाएगा प्रोपेनोल। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है बच्चों समझ में आ रहा, बड़ा सिंपल है। ये आपके सामने ये पहले प्रोपेन रहेगा, अगर ये हिस्सा इसको यहां से हटा करके अगर इस हिस्से को आप हटा दें और यहां पे आप लिख दें 8, ठीक है। जैसे ही आप C3H8 लिखते हैं तो इसको आप बिना कुछ कहे आप C3 काउंट करके इसको प्रोपेन कर देंगे, क्योंकि यार यह तो सैचुरेटेड कंपाउंड है, बिल्कुल सीधा सीधा बॉन्ड है, वी डोंट नीड टू डू एनी एक्स्ट्रा लेबर ऑन दिस, बड़ा सिंपल है, C3H8 है, प्रोपेन डाल दिए हम इसको। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि इसमें हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन माइनस हुआ और एडिशन हो गया यहां पर OH का, देखिए इधर ध्यान से, यहां पे आपने देखा कि C3H8-1+OH लिख दिया। अब बोला बेटा इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो जैसे ही आपने देखा कि हाइड्रोजन एक रिप्लेस हुआ और उसकी जगह OH ने ले लिया, तो यहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है, ओल, और नाम के साथ जितना कार्बन होगा उसको आप ऐड कर देंगे तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग ब्यूटेनॉल के लिए करते हैं, C4H9+OH, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर पहले आप कार्बन देखेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि यार ये तो BUT लिखते हैं, और जाहिर सी बात है 9 है तो AN लिखते हैं, और हमने क्या पढ़ा है कि ई रिप्लेस होता है ओल से, तो इसको हम लोग ओल से रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या हो गया, क्या हो गया, ब्यूटेनॉल, ये सिंपल हो गया। आप देख सकते हैं यही आपकी एक्टिविटी 4.2 में मिथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल, लास्टली ये ब्यूटेनॉल खत्म हुआ। अब क्या है, जब आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया तो दूसरी केस में, इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इट इज इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ कंपाउंड विद ईदर अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अगर उस कार्बन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो निश्चित तौर पे उसमें या तो प्रीफिक्स लगेगा या सफिक्स लगेगा, वरना हम पहचानेंगे कैसे कि मेहमान कौन है।
अब तीसरा पॉइंट देखिए, इफ द नेम ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप इज गिवन एज अ सफिक्स, यदि उस फंक्शनल ग्रुप का जो नाम है सफिक्स के तौर पे दिया गया है, एंड सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बिगिंस विद अ वोवेल ए ई आई ओ यू, ध्यान देने वाली बात यहां पर है कि यदि कोई फंक्शनल ग्रुप दिया गया है और उस फंक्शनल ग्रुप का नाम ए ई आई ओ यू से शुरू होता है, जैसे एल्डिहाइड की बात करते हैं तो ए से शुरू होता है, अल्कोहल की बात करते हैं तो ए से शुरू होता है, तो ये सारे क्या है, वोवेल्स हैं, तो वोवेल्स, देन द नेम ऑफ कार्बन चेन इज मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग द फाइनल ई। जैसा कि मैंने बच्चों यहां पर आपको बताया कि यहां पर पहले जो ये ब्यूटेन लिखा था तो लास्ट का ये जो ई है ये रिप्लेस होगा ओल से, क्यों, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप है। दूसरी बात, ये ई क्या था, एक वोवेल था, तो ये भी बात है। एंड एडिंग द सफिक्स, फॉर एग्जांपल थ्री कार्बन चेन विद अ कीटोन ग्रुप वुड बी नेम्ड इन द फॉलोइंग मैनर, और किस मैनर में उसका नाम होगा वो देखिए, किस मैनर में नाम होगा यहां देखिए, प्रोपेन में से यहां पर ई को हटाया गया, आप देख रहे हैं प्रोपेन में से ई को हटाया गया और उसके बाद उस ई की जगह पे ओ एन ई वन आया, तो ये नाम हो गया प्रोपेनोन, यानी कि ये लास्ट में ओ एन ई वन जो देख रहे हैं ये वन एक नहीं है, ये कीटोन को रिप्रेजेंट करता है। कीटोन जब किसी भी कार्बन कंपाउंड में कीटोन ऐड होता है तो लास्ट में उस नाम के अंत में ओ एन ई हम बोलते हैं, अब चाहे हम उसको इथेनोन बोलें, प्रोपेनोन बोलें, ब्यूटेनोन बोलें, हेक्सेनोन बोलें, जो भी बोले। If the carbon chain is unsaturated, then the final A and is the in the name of carbon chain is substituted by in or ion. अब इसको देखने के लिए आपको जनरल सा फॉर्मूला। अब मान लीजिए किसी ने कहा आपसे, पहले याद रखिए, किसी ने कहा आपसे कि ये लिखा हुआ है C2H6 और ये C2H6 अब अनसेचुरेटेड होने जा रहा है, यानी कि अब ये C2 है लेकिन ये H4 हो जा रहा है, ठीक है, या फिर ये C2 है और ये H2 होने जा रहा है, यानी हाइड्रोजन घटते जा रहा है। तो सबसे पहले अगर एक कार्बन अपने चारों ओर हाइड्रोजन से घिरा हुआ है तो वो सैचुरेटेड है, तो उसमें हम N लगाएंगे, यानी कि यहां पर हम लोग बिना कुछ कहे, हमको पता कि ये ईथ है तो हम इसको कहेंगे ईथेन, लेकिन यही N तब रिप्लेस हो जाएगा जब इस कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या कम होगी और बॉन्डिंग बढ़ेगा, तो ये सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हो जाएगा एंड फाइनली इस एन को हम तब्दील कर देंगे इथीन में। यानी कि आपने क्या देखा, लास्ट का ए एन ई कन्वर्ट हो गया ई एन ई में और एक बार फिर यहां पर हाइड्रोजन दोबारा कम होगा तो इस बार हम लोग इस एन को कन्वर्ट कर देंगे आयन में, यानी कि इथाइन। यानी कुल मिलाकर के आपने देखा कि कार्बन तो दो ही थे लेकिन जैसे जैसे हाइड्रोजन कम हुआ इसके नाम में एक चेंज हमको देखने को मिला। खैर, तो ये रहा हमारा एक बेसिक नोमेनक्लेचर का सिस्टम, आगे हम लोग और बढ़ते हैं। अब देखिए, तो नोमेनक्लेचर में देखिए यहाँ पे वो सारी बातें जो मैंने आपको बताई है एक एक करके, मेरा अपना एक अंदाज आपके साथ होगा। यहाँ देखिए क्लोरोप्रोपेन है, मैं आपको अगर स्पष्ट तौर पर बताऊं तो ये क्लोरो देखिए क्या है, प्रीफिक्स है, क्या है, प्रीफिक्स है, और लास्ट में आने वाला एन क्या है, सफिक्स, क्या है, सफिक्स, हर बार याद रखिएगा, एन सफिक्स ब्रोमो, ओल सफिक्स, और प्रोपेनॉल की बात करेंगे तो यहां पे ये आप देखिए ये आपका मेन फ्रेज ही हो गया, यहां पे एक ही फंक्शनल ग्रुप, यहां पे देखिए अल ये सफिक्स है, इसके बाद ये देखिए ओन ये सफिक्स, ये तीनों सीरीज में आपको ये सफिक्स दिख रहे हैं लास्ट में, ये तीनों सफिक्स हैं, यानी जब मेन लेटर बेन जो नाम है कंपाउंड को उसके नाम के लास्ट में अगर चेंज आता है तो उसमें सफिक्स का चेंज माना जाएगा। सो ओवरऑल ये ओल है, ये अल है और ये ओन है, और आप देखिए यहां पर खुद आपको एक टेबल बकायदा एनसीईआरटी में बना करके आपको दिया गया है समझने के लिए कि अगर क्लास ऑफ कंपाउंड हेलो अल्केन है तो उसमें प्रीफिक्स लगाते हैं, हेलो का मतलब हेलोजन होता है, क्या मतलब होता है, हेलोजन, और हेलोजन का मतलब क्या होता है, नमक, क्या होता है, नमक, ये सारे के सारे नमक है, तो नमक जुड़ेगा तो नाम में जो होता है सफिक्स का नहीं प्रीफिक्स का यूज करते हैं, यानी कि आप जो नाम अब तक लिखते थे उसको हूबहू लिखिएगा और जो मेहमान यहां पर आया है उसको हम लोग पहले लिख देंगे। यानी अब मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर इस क्लोरीन की जगह में भी यहां पर ये क्लोरीन को मान लीजिए यहां पे ब्रोमीन होता या फिर ये आयोडीन होता वगैरह वगैरह कुछ भी होता, तो ये अगर ब्रोमीन होता तो हम इसका नाम लिखते ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन,
ये हमें क्लियर हो गया, यानी कि यहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर होता है इसके बेस पे होता है। और इसमें क्या चेंजेस आते हैं, ये आप यहाँ देखिए सफिक्स नहीं है, यहाँ ये देखिए प्रीफिक्स है, यानी ये प्रीफिक्स को फॉलो कर रहा है। अब दूसरा ग्रुप है अल्कोहल, अल्कोहल में प्रीफिक्स गायब है, इसमें हर नाम के लास्ट में आपको ओल लगाना है, ब्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल एंड सो ऑन। इसी प्रकार से अगर एल्डिहाइड आता है तो वो भी सफिक्स को फॉलो करता है अल, यानी कि इस बार आप जो प्रोपेनॉल लिखे थे उसमें एल्डिहाइड आएगा तो आप उसको प्रोपेनॉल लिखेंगे। सब में एक एक क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, डोंट वरी, फिलहाल ये एक जनरल चीज है। इसी प्रकार से कीटोन भी सफिक्स को करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स को करता है, उसी प्रकार से अल्किन्स भी, अल्काइन्स भी। ओवरऑल मुझे जहां तक कि पता है, जितना मैंने इस वीडियो में कवर किया, मैंने ये फंक्शनल ग्रुप आपको अच्छे से समझाया। एंड फ्रेंड्स वन मोर थिंग, कि आपको ये तो जरूर याद रखना पड़ेगा कि जो ये हेलो अल्केन है या अल्कोहल है, ये किस तरह से अटैच होते हैं। आप देखिए ध्यान से, आप देखेंगे ध्यान से कि एल्डिहाइड में इसकी पहचान होती है एल्डिहाइड की CHO, इसकी पहचान क्या होती है CHO, क्या पहचान होती है इसकी CHO, यहां देखिए CHO। उसी प्रकार से आप जब कीटोन की बात करते हैं तो यहां पे आप देखेंगे C डबल बॉन्ड O, कार्बन के साथ ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड। जब कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे तो इसको C डबल OH से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। इसी प्रकार से जब इन की बात आती है तो आपको पता है कि इन में माइनस हो जाता है, माइनस टू हाइड्रोजन। सो ओवरऑल इस तरह से अगर आपको किसी ने कह दिया, मान लो ये तो प्रोपेन था, किसी ने कहा कि बेटा जरा सा ब्यूटेनॉल लिखो, क्या लिखो ब्यूटेनॉल लिखो, तो यहां पे मिथित प्रोप यानी तीन कार्बन था, ब्यूटेनॉल लिखना तो चार लिखेंगे, तो चार कार्बन 1 2 3 4 पेरेंट चेन हम लोग काउंट के लेफ्ट से राइट करेंगे, ठीक। तो यहां पर हम लोग मिड में यहां पर हमने एक यहां पर बिठा दिया, हमने क्या बिठाया एक ऑक्सीजन दे दिया हमने, ठीक है। अब रेस्ट में हमें क्या करना है कि बाकी यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां देखिए चार बॉन्ड कंप्लीट है, फिर इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब आप काउंट करेंगे तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, पांच हाइड्रोजन, छह हाइड्रोजन, सात हाइड्रोजन, आठ हाइड्रोजन, आठ हाइड्रोजन हो गया आपके। अब आप यहां पर देखो काउंट करो, यहां पर 336 था, यानी कि इसका फॉर्मूला आपका ये था C3H6 डबल बॉन्ड O, था ना, क्लियर है। उसी प्रकार से यहां पर होगा तो ये हो गया C4H8 डबल बॉन्ड O। इसी प्रकार से हम लोग अगर इस रूप में दिया है तो इस रूप में लिख सकते हैं, अगर इस रूप में दिया तो इस रूप में लिख सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, पहला तो ये जानना कि वो कौन सी फैमिली है जिससे अटैच हुई है, दूसरा उसमें प्रीफिक्स या सफिक्स लगाते हैं, और तीसरा फंक्शनल ग्रुप में यहां पर जैसे अल है इसको रिप्रेजेंट हमने इससे किया, ओल है उसको रिप्रेजेंट ओएस से किया, ओन है उसको डबल बॉन्ड से किया, ओइक एसिड है सी डबल ओएस से किया, तो ये हमें कहीं ना कहीं याद रखना पड़ेगा। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात और कीटोन की बात आती है तो दोनों में हमें डबल बॉन्ड O दिखता है, लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि मिड कार्बन पे, यहां देख रहे हैं फर्स्ट कार्बन पे। अब इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये एंटायर एक पूरा फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन से आकर के अटैच हो गया और यहां पे सिर्फ ये फंक्शनल ग्रुप है, ये कभी पेरेंट चेन के हाइड्रोजन को डैमेज नहीं करेगा, ये बीचों बीच में जो चारों से कंजर्व हाइड्रोजन होगा वहां पे जाकर के पुट अप हो जाएगा। सो ये आपका एक जनरल रहा, आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या। तो क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन, ये आप इसके लिए सात कर सकते हैं, कार्बन पांच है तो आप सात इसके ऑलमोस्ट कर सकते हैं। What are the two properties of carbon which led to the huge number of carbon compound we saw? कैटेनेशन है आपको सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप बोलेंगे कि कैटेनेशन और टेट्रावैलेंस, यानी कि टेट्रावैलेंट। What will be the formula and electron dot structure of cyclopentane? बच्चों साइक्लो का बढ़ा गया तो आपको पता है कि फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उसकी स्ट्रक्चर बदल जाती है साइकिल लिखने की वजह से। तो पेंटेन है तो C5 तो होगा ही होगा, और साइक्लोपेंटेन की बात जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर उसका बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें डॉट को घेरे में रिप्रेजेंट करना, कुछ इस तरह से आपको एक कार्बन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कई सारे आप कार्बन जो है यहाँ पर पांच है तो पांच कार्बन एक लाइन से बनाएंगे और उसके साथ में जो हाइड्रोजन होते हैं उनके उनके डॉट को एक एक गोला मार मार करके आपको ये दिखाना पड़ेगा टोटल उसमें कितनी ज्यादा हमारी बॉन्डिंग। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इथेनोइक एसिड ब्यूटेनॉल ब्रोमोपेंटेन हेक्सेनॉल। फ्रेंड्स बहुत आसान है, मैं इस स्लाइड के अंतर्गत आपको
सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं, ऑब्वियसली एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को एक जगह एक्सट्रैक्ट करके वन बाय वन सारे सॉल्यूशन मेरी अगली वीडियो का हिस्सा होगा, तो आप पिछली और अगली वीडियो से बने रहें। ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो आपको याद आएगा। यहाँ आप देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड की बात की जा रही है, जाहिर सी बात है ये आयन ग्रुप है। यहाँ पे आप बीआर देख रहे हैं, हैलोजन ग्रुप आपको हो गया। यहाँ डबल बॉन्ड वो देख रहे हैं, यानी ये कोई ओन ग्रुप का नंबर है। अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बात करें तो यहाँ पे देखिए कंबसन की बात है। तो कंबसन का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न होती है तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है, उसके साथ साथ हीट एंड लाइट रिलीज होता है। तो यहाँ देखिए ये आपका पहला है कि C+O2CO2, यानी कि कार्बन जब ऑक्सीजन से जुड़ा तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड बना, साथ ही साथ हीट और लाइट को प्रोड्यूस किया। अब दूसरे केस में हम देख रहे हैं ये मीथेन और ऑक्सीजन से कंबाइंड होता है तो ये भी CO2 बनाता है, H2O बनाता है और ये भी हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। इसी प्रकार से हम लोग तीसरे रिएक्शन में भी देख रहे हैं, यहाँ एक बार हम लोग CH3CH2OH देख रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर के अगर इसको कहें तो C2H5OH को देख रहे हैं, यानी कुल मिलाकर के हम लोग कहें तो हम लोग इसको देख रहे हैं इथेनॉल, यानी कि कुल मिलाकर के शराब जो होती है उसमें इथेनॉल की प्रेजेंस होती है, तो आप उसमें अगर आप उसको बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको तभी भी पता है कि अल्कोहलिक चीज पेट्रोलियम डीजल ये सब जो होते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंस होते हैं, सब आप बचपन में पढ़ चुके हैं। ये दो एक्टिविटी है। अब देखिए इसके लिए आपको टीचर की असिस्टेंस, मेरी नहीं, जहां आप वर्तमान में मौजूद हो वहां पर टेक सम कार्बन कंपाउंड्स, कुछ भी ले लीजिए, नेफ्थलीन, कैम्फर, अल्कोहल, कुछ भी, कपूर वगैरह कुछ भी ले लीजिए। नेफ्थलीन बॉल्स वही होते हैं जो कपड़े उपड़े के बीच में या टॉयलेट्स वगैरह में यूज किए जाते हैं, और अल्कोहल ले लीजिए वन बाई वन ऑन अ स्पैटुला एंड बर्न देम, बारी बारी से उसको एक चम्मच जैसे स्ट्रक्चर पे उसको रख लीजिए, उसको जलाइए, ऑब्जर्व द नेचर ऑफ फ्लेम एंड नोट वेदर स्मोक इज प्रोड्यूस। आप इसको जलाइए तो ये देखिए कि उसमें से धुआं प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्लेस अ मेटल प्लेट अबव द फ्लेम इफ देयर इज डिपोजिशन ऑफ प्लेट इन द केस ऑफ सब्सटेंस, तो डेफिनेटली कपूर जलता है तो पूरे चारों ओर काले काले चीजें होती है, नेफ्थलीन बॉल जलता है तो भी यही होता है, अल्कोहल भी जलता है तो वो स्मोक तो कहीं ना कहीं धुआं तो रिलीज करता है। तो ये हमें ये बता रहा है कि जो जलते वक्त वो जो काली काली जो धुएं जैसी चीज होती है वो क्या है, कार्बन है। क्या है? कार्बन है, वो कार्बन का डिपोजिशन है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम व्हाइल अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड विल गिव अ येलो फ्लेम। यानी कि क्लियर बात है बच्चों, किसी चीज को जलाते हो बड़ी साफ सुथरी सी फ्लेम दिखे तो आप समझ लो वो सैचुरेटेड चीज जल रही है, अगर वो पीवीसी चीज दिखे तो आप समझ लो अनसैचुरेटेड। तो आप हमें बताओ कि जो घर में एलपीजी यूज होता है वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? अनसैचुरेटेड है। आप उसको दो तरीके से देख सकते हैं, जैसे दरअसल में हम लोग कहते हैं कि इसमें मीथेन होता है, मीथेन है तो सैचुरेटेड ही है, लेकिन कई बार आपने उसमें देखा होगा कि क्लीन फ्लेम के, हाँ हम कह सकते हैं, नहीं सही है, हम लोग एलपीजी को हम लोग सैचुरेटेड ही कहेंगे। जैसे मैं ये कह रहा हूँ लकड़ी जलाते हैं हम लोग कभी, या कभी हम लोग गोबर के बने उपले या गोइठा जिसको हम लोग कहते हैं देसी भाषा में, उसको हम लोग जब जलाते हैं तो आग पीले रंग की निकलती है, लकड़ी भी जब जलता है तो आग पीले रंग का दिखता है, और उसके साथ साथ यदि अभी ठंड का दिन है अगर इस समय में हम लकड़ी जलाएं तो आप क्या देखोगे कि लकड़ी के जलने की वजह से रूम में पूरा कमरे में धुआं धुआं भर गया है, तो ये धुआं जो है रिलीज कर रहा है, प्लस उसकी आँच का रंग जो उसकी फ्लेम का रंग है वो पीला है, वो अनसैचुरेटेड को दर्शाता है। चलिए तो इसमें अब दो चीजें हैं, कंबस्टेबल नॉन कंबस्टेबल, बहुत सारी चीजें हैं, यानी कुल मिलाकर के वो सब्सटेंस जो अच्छे से जल जाती हैं, अच्छी हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करती हैं उसे कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं, और जिसको जलाने में हम जल जाएं वो नॉन कंबस्टेबल है। ठीक है, तो ये अपना रहा, तो मिक्सचर इज बर्न क्लीन ब्लू फ्लेम वगैरह वगैरह। सो व्हाई डू द सब्सटेंस बर्न विथ और विदाउट अ फ्लेम? हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ईदर अ कोल और वुड फायर? इफ नॉट द नेक्स्ट टाइम यू गेट अ चांस टू टेक क्लोज नोट ऑफ व्हाट हैपेंस व्हेन द वुड और कोल स्टार्ट्स टू बर्न। तो बच्चों पहली बात कि अगर आपने आपसे पहले लकड़ी कोयला जलते देखा हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा हो तो जाइए देखिए, और देखने के बाद आपको क्या मालूम पड़ेगा कि जलने के पैटर्न में आपको कुछ अंतर समझ में आएगा। You have seen a candle or LPG gas stove burns with a flame. However, you will observe that coal and charcoal in an ambiente sometimes just glow red and gives out heat without a flame. आपने कोयले को जलते हुए देखा है ambiente में, चूल्हे के अंदर में वो लाल हो जाता है, उसमें से आग तो नहीं निकलती लेकिन हीट बहुत सारा प्रोड्यूस होता है। This is because a flame is only produced when gaseous substance burn. यानी कि इसका मतलब ये क्लियर है कि अगली बार से जब आप किसी चीज को जलते देखें और उसमें से आँच निकले तो डेफिनेटली उस सब्सटेंस के अंदर में कोई ऐसी चीज होगी जो गैसियस होगी,
जब गैसियस चीज बर्न होती है तो डेफिनेटली उसमें से आग भी निकलता है और हीट भी निकलती है। अच्छा, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। When wood or charcoal is ignited, the volatile substance present vaporize and burn with a flame in the beginning. तो पहले तो आप लकड़ी पर चारकोल कोयला वगैरह जलाते हैं तो शुरुआत में आग भी दिखती है और आंच भी आता है, लेकिन टाइम के बाद जब उसकी गैसीय सब्सटेंस खत्म हो जाती है तो उसका फ्लेम जो है टोटली बंद हो जाता है और बस वो एक रेडिश ग्लो करता है और उस चीज को गर्म करने में मदद करता है। A luminous flame is seen when the atoms of gaseous substance are heated and start to glow. मतलब luminous flame हमको दिखता है जब एटम हम देखते हैं gaseous substance के हीट होते हैं और वो मतलब luminous flame का मतलब जिसमें से रोशनी निकले, जैसे मोमबत्ती हो गई, दिया हो गया, कैंडल, जो भी हम लोग कहते हैं। The color produced by each element is the characteristic property of that element. और इसको पढ़ेंगे आप क्लास 11th के केमिस्ट्री के चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि प्रत्येक एलिमेंट का अपना एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है, यानी डेफिनेट एक कलर होती है। वो मैं हमारे ही चैनल पे क्लास 11th के वीडियो में आप देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप 10th में पढ़ रहे हैं उसको फोकस करें, वो बात की बात है, नेक्स्ट ईयर पढ़ लिया जाएगा। यानी प्रत्येक एलिमेंट की बात है। अब जैसे मैं हूँ, मेरा एक अलग कलर, आप हैं, आपका अलग कलर, हर व्यक्ति का अलग अलग कलर है, उसी प्रकार से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जिसकी भी बात करते हैं, हर एलिमेंट की एक अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसका अपना एक अलग कलर होता है। तो जाहिर सी बात है उसके कंपाउंड जलेंगे तो किसी और कलर का होगा, उसके कंपाउंड जलेंगे तो किसी और कलर का होगा, और उसके कंपाउंड जलेंगे तो किसी और कलर का होगा। यानी हर एलिमेंट जलते वक्त अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान। अभी आपसे मैं कहूँ कि रोड पर कोई टायर जला के बैठा है, टायर, साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रक, जिसका मिल जाए, किसी ने अंडे के कैरेट का जो जिसमें लोड किया जाता है उसको जला के बैठा, आप इजीली उसकी स्मेल से पकड़ लोगे, है ना, एक अजीब सा वहाँ पर धुआं क्रिएट होगा। तो यानी कि सब्सटेंस जब जलता है तो अपनी प्रॉपर्टी बता देता है, अगरबत्ती, धूप, कपूर वगैरह वगैरह। पूजा पाठ की बात करें, लग रहा जैसे कथा कराने। खैर, The color produced by and try and heat a copper wire in a flame of a gas stove and observe its color. You have seen in complete combustion gives soot which is carbon. On this basis, what you will attribute to the yellow color of a candle flame too? यानी कुल मिलाकर के कैंडल में से निकलने वाले येलो फ्लेम को आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे अनसेचुरेटेड। क्या कहेंगे हम लोग? अनसेचुरेटेड। किसी चीज से सीधे सीधे तौर पे अगर पीली चीज निकल रही है तो पीली आंच निकलने का मतलब उसके अंदर का कोई सब्सटेंस है जो उसके साथ साथ जल रहा है, जो चीज अनसेचुरेटेड होगी। फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, बड़ी लंबी कहानी, छोटी मोटी कहानी है, इसको हम समझा देते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम हैव बीन फॉर्म फ्रॉम बायोमास व्हिच हैज बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस। बहुत सारी चीजें, कोई कहता है डायनासोर मर गए, कोई कहता है इंसान पानीपत की लड़ाई में मरे, हजारों लाखों आदमी मरे, महाभारत की लड़ाई मरे, कोई कहता भूकंप आया था सारा पेड़ धस गया, कोई कहता पेड़ पे बैठा हुआ वो लकड़हारा जो लकड़ी काट रहा था वो पहले धसा, पेड़ बाद में धस गया। इस प्रकार से करेक्टर बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग कहानियां बताते हैं। तो इन सारे लोगों को हम लोग कहेंगे बायोमास। क्या कहेंगे? क्योंकि हम लोग खुद बायो के एक सबसे बड़ी एग्जांपल हैं। तो अभी हमको कोई उठा के गाड़ दे और 100 साल बाद वहां पर अगर खन खून के देखेगा अगर, तो वहां पर देखेगा कि कुछ फ्यूल टाइप का या कुछ वैसी चीजें वहां पर हो गई हैं। यानी कि कुल मिलाकर के मानव को जो दफनाया जाता है उसका भी एक साइंटिफिक कारण है कि हजारों साल, सैकड़ों साल के बाद जब वो चीजें पूरी तरह से मिट्टी में हो जाएंगी तो वहां मिट्टी के अंदर में संभावनाएं होंगी फ्यूल्स के बनने की, कोल एंड पेट्रोलियम के बनने की। इसके लिए मिलियन साल लगते हैं, मतलब कम से कम हम लोगों की 50-60 पीढ़ी निकल जाएगी तब तक। तो दिस वर क्रैश इनटू द अर्थ, वो सब क्रश हो गए अर्थ के अंदर, परहैप्स बाय अर्थक्वेक। अभी मैंने बताया जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी में जैसे बम ब्लास्ट हुआ था, उसी तरह से आप देखे होंगे जापान में हर साल भूकंप होता है, हाँ, एक एक इंच उसका कम होते जा रहा है। जापान पर हमको लगता है इकलौता ऐसा देश है बिना बंटवारे के छोटा हो गया है। 50 साल पहले उसका जो आप एरिया पर मैप देखेंगे जापान को, ये ऐसे दांचियार खड़ा था। अब उसको क्या हुआ, भूकंप आता है तब चारों ओर से उसको चारों कोने से सरकाते सरकाते कुछ दिन में वो बिहार के बराबर हो जाएगा जापान, ठीक है। फिर बिहार के लोग डायरेक्ट यहीं से कब्जा कर लेंगे और जापान जो है सीधे देश से एक स्टेट बन जाएगा और हम लोगों के लोग बिहारी बिहारी जापानीज कहलाएंगे। धन्यवाद बिहार, कुछ भी हो सकता है। They were pressed down by the layers of earth and rock and they slowly decayed into a coal. Definitely, पहले कि हम लोग उसके बाद बहुत सारी मिट्टी से और पत्थर से ढक दिए गए और लंबे समय के बाद हम कोल बन गए। Oil and gas are the remains of millions of tiny plants and animals that lived in the sea. यानी कुल मिलाकर के जो हमें पेट्रोलियम या गैस मिलता है कि उन चीज़ों में जैसे ब्लू वेल है, सार्क है, सब पानी के अंदर में ही दबे कुछ ले मर गए, उसी में सड़ गए। तो ये भी आपको पता है
पेट्रोल कभी ऐसा नहीं होता कि आपके छत पर खोद देंगे तो पेट्रोल निकल आएगा, ऐसा कभी सुना है आपने? नहीं ना। उसके लिए हम लोग समंदर वमंदर में खोज खाज के कहीं जाते हैं, पाइप गाड़ गुड़ के देखते हैं बैलेंस करके, तो वहां से हमको पेट्रोल मिलता है। किसी के घर के छत पे तेल का कुआं तक निकला होता हमें बता दे, मैं उसके घर जरूर जाना चाहूंगा। खैर, कि उसके यहाँ कौन से आदि मानव रहते थे पहले। When they died, वो चले गए। कौन? Shark Blue Whale. Their body sank to a seabed. सी का बेड आपको पता है जहां पे धरातल होती है, वहां तक पहुंचेंगे तो आप खुद ही बुला जाएंगे। Were covered by silt, और उनको एकदम बढ़िया से एकदम कवर्ड कर दिया गया। Bacteria attacked the dead remains, turning them oil and gas under high pressure. यानी उनके ऊपर बैक्टीरियल अटैक हुआ, जो उनकी बची खुची जो उनकी शरीर की जो अस्थि पंजर मांस टुकड़े वगैरह जो थे वो धीरे 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 करके अंडर प्रेशर वो ऑयल और गैस में कन्वर्ट हो गए। लेकिन बड़ा सुनिंग था। तो सरकार, आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में सरकार जो है वो इन फ्यूल्स का विकल्प ढूंढ रही है बहुत तेजी से। दुनिया भर में अब हलचल मच गई है बायोफ्यूल्स के लिए या इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक। अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि अभी वर्तमान में मान लीजिए कोई हमारे देश का नेता हो और वो कहे क्या है भाई, बहुत पैसा है हमारे पास, हम उस देश का सारा पेट्रोल खरीद लेंगे। तो ठीक है, पेट्रोल आप देश खरीदेंगे तो देश के पैसे से खरीदेंगे, इधर का पैसा आप उधर एडजस्ट कर देंगे तो खाली देश में पेट्रोल रह जाएगा, बाकी आदमी भूख लगेगा तो कोक की जगह पेट्रोल पी के जिएगा। ठीक, ये तो आप कर सकते हैं और आप वो खुद पे लागू करेंगे नहीं। और फिर जब पेट्रोल उस देश का पूरा खरीद लोगे, यहाँ के देश के लोग जब सब गाड़ी उड़ी चला के चाक चूट के बराबर कर देंगे, तब फिर आप अपने घर के छत पर खोदोगे तो पेट्रोल तो मिलेगा नहीं। तो इसके लिए उनको समझना चाहिए कि ये सब बहुत ही ऐसी फ्यूल्स होती हैं जिनको बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में इनको अत्यधिक बर्बाद करना भी उचित नहीं है, कंजर्व करने की जरूरत है। कंजर्वेबल कहीं ना कहीं ये रिसोर्सेज हैं, इनको कंजर्व करने की जरूरत है। कंजर्व करने के लिए दूसरी चीज है कि चूंकि ये हाइड्रोकार्बन से कहीं ना कहीं, तो जब ये जलते हैं तो कुछ पॉल्यूटेंट्स ऑब्वियसली क्रिएट करेंगे। और अभी जो हमारी पृथ्वी सबसे बड़ी समस्या से जूझ रही है, क्लास 10th में एक सिलेबस भी है बकायदा है, आप लोग लास्ट में पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोग देखेंगे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन ये वो दुनिया जहां तमाम टॉपिक्स पे बात की गई है कि कैसे हम लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनी पृथ्वी माता को धीरे धीरे डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका कहानी जानते हो कैसे है। एक बीघा खेत था, तो पहले बाऊ जी एक थे, बेटा एक था। तो पिताजी बोले बेटा अब खेती तुम करना। बोला थैंक यू पापा, पापा चल लिए निकल लिए, उनका टाइम हो गया। अब ई का किया 8 पैदा किया, तो ये जब इन्होंने पॉपुलेशन बढ़ाया तो 8 को जब आपने वो जो थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा था 8 हिस्सों में किए तो सबके लिए एक एक कमरा भर जितना बड़ा अभी हमारी मोदी सरकार में जो आप देख रहे होंगे जो बाथरूम का साइज है, इतना इतना जगह उनको बचा खेती करने के लिए। धनिया भी अगर बोते तो उनका पेट नहीं भरता गेहूँ चावल की, तो बातें छोड़ दीजिए। अब इन्होंने फिर उसको ये ऐसा एक चेन बनाया, फिर इन्होंने 8 और पैदा कर दिया, फिर एक की छाती पर दूसरा और दूसरे की छाती पर तीसरा, ये इतने साइज में 8 मकान खड़े हो गए जिसमें कोई भी अगर एक बाथरूम में से ऐसे अंगड़ाई ले तो दूसरे के मुंह में हाथ घुस जाए। ये तो था लेटेस्ट फैशन। तो आदमी ये नहीं समझ रहा कि जमीन नहीं बढ़ रही है, जमीन नहीं बढ़ रही है, पैदाइश बढ़ रही है। तो आप जब तक इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक, अब ऐसा तो है नहीं कि हर साल जब हमारे भारत की आबादी बढ़ती है तो धरती माता अंगड़ाई लेके किंच और बढ़ जाती है, ऐसा तो है नहीं कि खुश होकर देखो घर में बबुआ आए हैं तो हम थोड़ा फैल जाते हैं खुशी से। आप फैल जाते हैं, आपकी धरती नहीं फैलती है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो मजाक अपनी जगह, अभी ये रहा तो इस तरह से बच्चों, अभी ऑक्सीडेशन क्या, किसी चीज में ऑक्सीजन को ऐड करना, इसको ऑक्सीडेशन। खैर, तो ये देखिए एक्टिविटी में क्या करा कि 3 ml ले लो इथेनॉल, इथेनॉल मिले नहीं तो लेबोरेटरी वगैरह जहाँ पे केमिकल्स केमिस्ट वगैरह बैठते हैं वहाँ मिल जाता है। एंड वॉमिट जेंटली इन अ वाटर बाथ, वाटर बाथ का मतलब समझ रहे ना, ये क्या होता है उसका मतलब होता है पानी, मतलब उसको एकदम आराम से धीरे धीरे गर्म करो। अब 5% उसमें एल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 ऐड कर दीजिए ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये नहीं कि एक बार में घुसेड़ के पूरा उसको पिचकारी मार दी, एक एक ड्रॉप। Does the color of potassium permanganate persist when it added initial? क्या आपने देखा उसके कलर में पोटेशियम परमैंगनेट में, तो इसको आपको करना चाहिए। Why does the color of potassium permanganate not disappear when excess is added? ऐसा क्यों हुआ कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या होता है, लाल होता है, जाहिर सी बात है, not disappear when excess is added, वो disappear क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे का एक कारण था, आप इथेनॉल को गर्म कर रहे थे
और उस वाटर बाथ के अंदर में कर रहे थे। तो इथेनॉल के अंदर में जैसे ही आपने पोटेशियम परमैंगनेट को डाला, ये अपने आप में केमिकल रिएक्शन है। इस रिएक्शन पर आप करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा है, क्या मेरी उसमें से प्रेसिपिटेट हो रही है, क्या रिलीज हो रही है। इस रिएक्शन को करने की जरूरत है, बड़ा सिंपल सा है एक रिएक्शन। इसके लिए आपको है, आप इसको आराम से करें और चेक करें, C2H5OH प्लस KMNO4, ये आपका रिएक्शन रहेगा। इस रिएक्शन को करके देखेंगे, ये पूरी एक्टिविटी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, कुछ हद तक आपको खुद को समझ में आ जाएगा रिएक्शन देखते ही। यू हैव लर्न्ड About oxidation reaction in the first chapter, carbon compound can easily be oxidized on combustion. In addition to this complete oxidation, we have reaction in which alcohols are converted to carboxylic acid. अर्थात कहने का मतलब है कि किसी भी कार्बन कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करना बेहद आसान होता है, और ऑक्सीडाइज आप इसमें देखेंगे कि जैसे ही अल्कोहल को जरा सा ऑक्सीजन का सपोर्ट दिए, ये फट से बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसके लिए अल्कोहल का कोई फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अल्कोहल में OH था, एक ऑक्सीजन और बढ़ा, डबल OH हो गया, तो गया वो कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि उसी फैमिली में एक ऑक्सीजन और एंटर करता है, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उसकी बदल जाती है। ये देखिए आपके सामने बड़ा सिंपल सा दिया हुआ है, CH3CH2OH यानी कि C2H5OH है, और इसके अंदर में ये कैटलिस्ट का वर्क कर रहा है KMnO4 प्लस हीट, और एसिडिफाइड K2Cr2O7 यानी कि इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, K2Cr2 को पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। और देखिए यहां पर हीट है, ठीक है, जाहिर सी बात है, यानी कि कैटलिस्ट के तौर पे इन सबका यूज किया गया। CH3COOH क्या बना हमारा, क्या बना, ये क्या था, इथेन था, मतलब इथेनॉल था, और ये क्या बना, इथेनोइक एसिड, क्या बना, ठीक। अब उसको आप कार्बन काउंट करें, वी सीन दैट सम सब्सटेंस आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर, दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी बच्चों अगर आपसे 1 मार्क्स में फाइनल एग्जाम टर्म 2 में पूछे व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कहेगा कि वो चीजें, वो लोग, वो सब्सटेंस जिसमें इतनी क्षमता हो कि वो किसी चीज में ऑक्सीजन घुसा सके, डाल सके, उसमें इंसर्ट कर सके, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। Whereas alkaline potassium permanganate or acidified potassium dichromate are oxidizing alcohol to acid, so these particular things are called oxidizing agents. यानी कि इन सब का, यानी कि alkaline KMnO4 और acidified K2Cr2O7 को हम सीधी एक भाषा में कह सकते हैं कि ये oxidizing agent है। Addition reaction. Unsaturated hydrocarbon add hydrogen in the presence of catalyst like palladium and nickel to give saturated hydrocarbon. मतलब कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी कि C2H4 है, ये C2H4 से C2H6 बन जाएगा। इसके लिए हमको करना कुछ नहीं है, इसमें कैटलिस्ट के तौर पे हम लोगों को निकल या पैलेडियम का इस्तेमाल करना, जैसे हम निकल और पैलेडियम का इस्तेमाल करेंगे एज अ कैटलिस्ट, इसमें हाइड्रोजन की संख्या अपने आप बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी, हाइड्रोजन की संख्या। और अब देखिए आगे क्या कहता है, कैटलिस्ट आर सब्सटेंसेस दैट कॉज अ रिएक्शन टू ऑकर और प्रोसीड एट अ डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड। अगर मैं हूं और मुझे, मेरे ऊपर कोई असर ना पड़े और कोई ऐसी चीज मेरे अंदर रख दी जाए कि मैं जल्दी जल्दी काम करने लगूं, मतलब मैं किसी चीज को देखूं, लाइक मेरे पापा आ रहे हूं और मुझे मालूम ये काम जल्दी फिनिश करना, तो पापा बिना मुझे छुए उनकी इन्फ्लुएंस से मेरे काम का स्पीड बढ़ गया, अरे जल्दी जल्दी पढ़ो पापा आ रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ो पापा आ रहे हैं, या जल्दी पढ़ो एग्जाम आ गया, फेल हो जाएंगे, कपार पर बम गिर जाएगा घर वालों का, कहीं से भी उड़ जाएंगे, हाँ, तो वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें कैटलिस्ट है। जो आपको छुए नहीं, बिना छुए जब कुछ हुए तो इसका मतलब वो सिस्टम, समझ गया क्या, क्या समझे, कैटलिस्ट होता है। नहीं लो कहता फिल्म गाना, बिना छुए कुछ हुआ भी नहीं तो सिस्टम, साइंस है भैया, इसमें जब तक आप दो चार गाना ना ऐड करो तो मजा कैसे आएगा, नहीं तो एक प्रवचन टाइप का लगता। तो इस रिएक्शन को कॉमनली यूज इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूज अ निकल कैटलिस्ट। वेजिटेबल ऑयल्स जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड चेन व्हाइल एनिमल फैट्स हैव सैचुरेटेड कार्बन। मतलब वनस्पति या घी की बात हो रही है बच्चों, कि जब वनस्पति घी हम लोग बनाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस करते हैं, यानी कि उसको अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं, और अगर हम ऐसा ना करें तो उसका आपको भी पता है हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा। इसलिए बहुत लोग बताते हैं, अब तमाम तेल का कंपनी अपना अपना झोला बोरा लेकर के खड़ा हो जाता है, इस तेल में ये है, इसमें पकौड़ा खा लो, देखते होंगे आप खान साहब हैं, पता नहीं तेल का ऐड देते हैं, अलग अलग चीज़ खाने लगते हैं, कोई उसी में नाचने लगता है,
माधुरी दीक्षित नेने हैं, वो एक तेल को देख करके बताती हैं कि आप 30 साल के बाद भी आप 30 किलो के रहेंगे, अजीब सा तेल है। इसमें कोई बताता कि मैं पहले हार्ट का पेशेंट था, इस तेल को खाने के बाद मैं ही नहीं रहा, मेरी पीढ़ी खा रही है इस तेल को। ये कौन सा तेल है भैया, आप पता करिए। अलग अलग ऐड है, ऐसा ऐसा ऐड देंगे कि उस तेल को आप खरीदने मजबूर हो जाएंगे, है ना। पहले हार्ट धक धक करके ऐसे एक एनिमेशन निकलेगा तो आपको लगेगा कि कोई पिक्चर का ट्रेलर है, तब तक उसको दिल को फाड़ करके उसमें से तेल का डिब्बा निकलेगा। देखा कमाल की कंपनी है, दिल चीर के देखिए इसी का नाम लिखा होगा, ऐसा तो तेल है। ऐसा ऐड बना देंगे आदमी ना आजकल इनो उनो पी रहा है तो समझ रहा है हम हवा में उड़ रहे हैं, जैसे जीरा वाला ऐड नहीं आता वैसे बैलून वाला। एक इनो पी लो बिल्डिंग से कूद जाओ क्योंकि अंदर में गैस भरा हुआ है। तो यू मस्ट हैव सीन, सभी कंपनियों का सम्मान है भाई, कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना, सभी महान कंपनियां, हम लोग बेवकूफ तो है। यू मस्ट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट स्टार्टिंग दैट सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी एनिमल फैट्स जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स व्हिच कैन बी सेड हार्मफुल फॉर हेल्थ। मतलब अब आपको पता है कि एनिमल फैट्स जो होते हैं उनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे सेहत के लिए काफी नुकसानदायक है। ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स शुड बी चूजन फॉर कुकिंग, इसीलिए हम लोग एनिमल फैट की जगह हम लोग वेजिटेबल ऑयल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे वेजिटेबल ऑयल्स का मतलब जैसे बादाम का तेल, सरसों का तेल वगैरह वगैरह, सूर्यमुखी का तेल हम लोग इसका इस्तेमाल। कभी आपने सुना है कछुए का तेल है खाना बनाने के लिए, हम कछुए का तेल, घोड़े का तेल, भैंस का तेल, ऐसा कभी सुना आपने? सुना ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, खा लोगे तो तुरंत टपक जाओगे, सब पोला का ऐड भी नहीं देख पाओगे। Substitution reaction. Saturated hydrocarbons are fairly unreactive and are inert in the presence of reagents. मतलब कुल मिला के जो saturated hydrocarbon होते हैं वो unreactive होते हैं। कब? जब बहुत सारे मतलब reagents के सामने वो unreactive हो जाते हैं। However, in the presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbon in a very fast reaction. Chlorine can replace the hydrogen atom one by one. It is called substitution reaction. अब देखिए यहाँ पर बच्चों, आप देखिए क्लोरीन में क्या खासियत है कि क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेगा। अब यहां देखिए CH4 है, मीथेन है और क्लोरीन इसमें ऐड हुआ। जैसे ही इसमें क्लोरीन ऐड हुआ क्या किया, क्लोरीन खा गया हाइड्रोजन को, क्या किया हाइड्रोजन को खा गया, हटा दिया वहां से, रिप्लेस किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में। यानी कि कुछ रिएक्शंस को कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन की बात कह सकते हैं इसको सरल भाषा में, ठीक है ना, कि फोटो की प्रेजेंस में कुछ केमो डिस्पोजिशंस भी उस तरह से होते हैं जो केमिकल के प्रेजेंस में अलग हो जाते हैं, वैसे बहुत सारी चीजें। तो अब क्या रहा है प्रश्न, क्या आता है, व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिंपल है भाई, इथेनॉल को हमने पढ़ा था C2H5OH था और इथेनोइक एसिड में C2H5COOH हो गया हमारा, तो यहां पर ऑक्सीजन बढ़ रहा था इसीलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दूसरा मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न फॉर वेल्डिंग, कैन यू टेल व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। मतलब यहां पर एक मिक्सचर होती इथाइन की, इथाइन का मतलब बच्चों समझ रहे हैं कार्बन दो ही है और हाइड्रोजन भी दो है, तो C2H2+O2 रिएक्ट कर रहा है, वेल्डिंग का काम, यानी कि दिलों को नहीं जोड़ना है, सामान को जोड़ना है, ठीक है, वेल्डिंग कर रहा है, वेल्डिंग नहीं, तो वेल्डिंग हुआ, सामान जुड़ गया। तो पूछ रहा कि बता सकते हो बेटा इथाइन के साथ एयर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता, ऑक्सीजन ही क्यों? तो जवाब इसका यह है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो एयर जब मिक्सचर ऑफ गैस रहेगा तो कुछ भी हो जाएगा, वेल्डिंग की जगह कहीं वेल्डिंग ही ना हो जाए, इसलिए उसको हम इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा आंसर मत लिखिएगा, CBSE केस कर देगी टीचर पे भी और आप पे भी। मेनी कार्बन एटम्स आर इनवैल्यूएबल टू अस बट हियर वी शैल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ टू कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो फ्रेंड्स मेरी पार्ट 3 में मैं इस दो चीज को कंप्लीट करूंगा और इस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये पूरी वीडियो 3 पार्ट में कंप्लीट हो रही है। तीनों पार्ट को आप एक जगह जरूर कहीं इकट्ठा करके रखें, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द NCERT बुक लाइन बाय लाइन, एज वेल एज हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे जिसमें हम पूरी NCERT के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के लिए एक स्लाइड बनाएंगे। होप आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा, आप अपने फ्रेंड्स को जरूर सजेस्ट करेंगे और साथ ही लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तब तक अगली वीडियो के लिए थैंक यू।